नमस्कार, मैं शारदा, शारदास किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हेल्दी और टेस्टी सूप। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड का बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, 2 बीट, 1 आलू, मटर, अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गुड़, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। ये आलू को धो के लिया है मैंने। इसके हम 4 टुकड़े कर लेंगे। इसके ऊपर का छिलका भी निकाल लिया मैंने। प्याज को भी हम 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये बीट को भी मैंने धोकर इसके ऊपर का छिलका निकाल लिया है। इसके भी हम 4 टुकड़े कर लेंगे। बीट बहुत ही गुणकारी है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है और बहुत ही हेल्दी है। इसके भी हम 4 टुकड़े कर लेंगे। यह अदरक लहसुन को हम थोड़ा सा दरदरा इसमें पीस लेंगे। यह अदरक लहसुन भी इसमें डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है हमें। यह हम गाजर को भी कट करके लेंगे और इसमें डाल देंगे और इसे हम कुकर के अंदर रख देंगे। इसके ऊपर हम प्लेट भी रखेंगे। इसके हम 6 सीटियां निकाल लेंगे। अभी हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। इसमें से हम हलवा निकाल लेंगे। और इसे हम ऐसे छन्नी में निकाल लेंगे। इसे अब हम मिक्सी में ग्राइंड करके लेंगे। ये हमने जो पानी निकाला था ये उबालने के लिए रखेंगे। इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। ये देखो अच्छी तरह से पीस गया है, कलर भी कितना अच्छा है। अभी हम ये पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। इसमें अब हम कटा हुआ लहसुन डालेंगे। ये मटर, गुड़ खाली अपने टेस्ट के लिए डालना है। अगर आपको मीठा हो तो आपके पसंद के अनुसार आप डाल सकते हो। इसमें अब जाएगा बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। अब अपने पसंद के अनुसार मिर्च पाउडर या गुड़ डाल सकते हो। स्वाद के अनुसार नमक। ये कटा हुआ बारीक
धनिया, एक काली मिर्च पाउडर, थोड़ा ही डालना है हमें, नहीं तो ज़्यादा तीखा बन जाएगा। इसे अब हमें 5 मिनट तक उबालने देना है। ये सूप अब अच्छी तरह से उबल गया है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो आप इसे बनाकर पी सकती हो। यस, इट्स रेडी टू सर्व। अब इसे मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगी। बहुत यम्मी और बढ़िया बन गए। इसे अब हम सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। तो लीजिए पौष्टिक स्वादिष्ट और गर्मा गर्म सूप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना।